भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सबको बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो अघोषित स्थिति पैदा हो गई है लोकतंत्र के नाम पर, सांप्रदायिकता, अन्याय, उत्पीड़न सभी वर्गों के साथ भाजपा ने किया है, आज जरूरत